Hello friends, my name is Deepak Kumar from American Institute for Hunger. Friends, I'm really thankful to you because you like my videos, share and comment. Thank you so much and keep supporting me. और मैं भी आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाता रहूँगा. सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ, उसका नाम है व्हाई. द टॉपिक नेम इज व्हाई. फ्रेंड्स, आज के टाइम में आपने देखा होगा कोई भी काम करते हैं उसके बीच में डिस्टर्ब करने वाले आ जाते हैं, ऐसा क्यों? तो टू नो द रीजन, टू नो द रीजन, रीजन आने के लिए हम इसका यूज करते हैं. फ्रेंड्स देखिए, जैसे किसी ने आपसे पूछा नॉर्मली क्वेश्चन कि आप इंग्लिश सीखते हैं, तो उसने पूछा डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, आपने बोला यस आई लर्न इंग्लिश. तो पूछना चाहता है क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों? तो देखिए, डब्ल्यू एच फैमिली वाला कैसे बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली टाइम वर्ड सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, और फिर एक्शन, ये ऐसे ही हर क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, पूरा डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर होगा. तो देखिए आगे लगाना है क्यों सीखते हैं, वाई, फिर लगेगा आपका डू, और फिर लगेगा यू सब्जेक्ट, और सीखना मतलब लर्न. व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, ये आपका क्वेश्चन प्रिपेयर रहता है डेली रूटीन वाला. ठीक है, आप बता सकते हैं आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर कमिंग इंटरव्यूज, एंड आई हैव सबमिटेड माई रिज्यूमे इन अ कंपनी, दैट्स व्हाई आई विल हैव एन इंटरव्यू आफ्टर 15 डेज, सो आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ डे बाई डे, एंड आई हैव ज्वाइन अमेरिकन, राइट, दैट्स व्हाई आई लर्न इंग्लिश. तो आप ऐसे बता सकते हैं, आप लेट क्यों आते हैं, व्हाई डू यू कम लेट, आप झूठ क्यों बोलते हैं, व्हाई डू यू टेल अ लाई, व्हाई डू यू टेल अ लाई, आप हरियाणी क्यों बोलते हैं, व्हाई डू यू स्पीक हरियाणी, आप मुझे चीट क्यों करते हैं, व्हाई डू यू चीट मी, आप जॉब क्यों करते हैं, व्हाई डू यू डू अ जॉब, आपके पापा आपको क्यों डांटते हैं, व्हाई डज योर फादर स्कोल्ड यू, आपके पापा दिल्ली क्यों जाते हैं, व्हाई डज योर फादर जाना गो टू दिल्ली, व्हाई डज योर फादर गो टू दिल्ली. आपका दोस्त आपके साथ लड़ाई क्यों करता है, व्हाई डज योर फ्रेंड फाइट विद यू, अगर आप फ्रेंड्स होता तो डू होता, व्हाई डू योर फ्रेंड्स फाइट विद यू. आपका दोस्त क्लास बंक ऑफ क्यों करता है, व्हाई डज योर फ्रेंड बंक ऑफ द क्लास. अब फ्रेंड्स मान लो आप कल गए मार्केट और दोस्त आपको रस्ते में मिला, अगले दिन उसने आपसे पूछ लिया अरे आप मार्केट क्यों गए कल, तो बोलेगा व्हाई, और फिर पास में लगेगा डेट, और फिर लगेगा यू, और जाना था गो टू मार्केट. Why did you go to market yesterday? ठीक है, Why did you go to market yesterday? आपने मुझे कल कॉल क्यों किया था, Why did you call me? Why did you call me? ठीक है, आपने मेरी कॉल पर डिस्कनेक्ट क्यों किया था, Why did you disconnect my call? आप कल क्यों नहीं आए थे, आपकी बार नेगेटिव बना रहा हूँ यहाँ पर. देखिए अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो didn't लिख दीजिए ऐसे, Why didn't you come yesterday? दूसरा तरीका इसके लिए इसको डिड नॉट मत लिखिएगा, इसको लिखिएगा डिड यू, और फिर लिखिएगा नॉट, और फिर कम, और फिर सेम रहेगा, राइट. हाँ, तो व्हाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, या व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे. ठीक है, आपने मुझे मैसेज क्यों नहीं भेजा, व्हाई डिडंट यू सेंड मी मैसेज. आपने पिछले साल बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट किया, व्हाई डिडंट यू स्टार्ट बिजनेस लास्ट ईयर. अगर फ्यूचर की बात है, व्हाई विल यू, आप ये स्कूल क्यों छोड़ोगे, व्हाई विल यू लीव दिस स्कूल, लीव दिस स्कूल. बोल दो एक्चुअली इन दिस स्कूल आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट टीचर्स डोंट टीच वेल, बट माय फ्रेंड चेंज्ड हिज स्कूल लास्ट ईयर एंड नाउ ही इज इंप्रूविंग वेरी वेल इन दैट स्कूल बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज एंड टीचर्स ऑल्सो टीच वेल. सो आई वॉन्ट टू एनहेंस माई नॉलेज, सो आई विल ज्वाइन दैट स्कूल, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस स्कूल. And I will leave this school after 2 days. दो दिन के बाद मैं स्कूल को छोड़ दूंगा. ठीक है, हाँ, आप मुझे कॉल क्यों करोगे, Why will you call me? आप मेरा नंबर क्यों रिचार्ज करोगे, Why will you recharge my number? आप मेरे पापा से क्यों मिलोगे, Why will you meet my father? आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करोगे, Why will you disturb me? क्यों करना चाहिए, Why should I? मुझे आपको क्यों हायर करना चाहिए, Why should I hire you? ये आपसे दोस्तों इंटरव्यू के दौरान पूछा था, व्हाई शुड आई हायर यू. आप बोल सकते हैं सर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंपनी आई हैव ऑल द रिक्वायरमेंट एंड आई हैव फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट एंड आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब एंड आई कैन इजीली हैंडल योर कंपनी, सो यू मस्ट हायर मी बिकॉज आई विल गिव माई 100%
in your company and I'm very innocent and hard working and I have passion to do it. That's why you must hire me. आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, ठीक है, why should I hire you? मुझे क्यों हेल्प करनी चाहिए आपकी, why should I help you? मुझे क्यों लिखना चाहिए, why should I write? आप क्यों मुझसे फाइट करना चाहते हैं, why do you want to fight with me? आप क्यों मेरी हेल्प करना चाहते हैं, why do you want to help me? आप क्यों मुझे पढ़ाना चाहते हैं, why do you want to teach me? आप फास्ट फूड क्यों खाना चाहते हैं, आप हरिद्वार क्यों विजिट करना चाहते हैं, why do you want to विजिट हरिद्वार? आप क्यों करना पड़ता है, why do you have to? आपको 4 बजे क्यों उठना पड़ता है, why do you have to get up at 4 o'clock या 4 a.m. why do you have to get up at 4 a.m. आपके पास मेरा लैपटॉप क्यों है, why do you have my laptop? माय लैपटॉप को प्यार से लैपी बोल दीजिएगा, why do you have my laptop? आप खुश क्यों हो, why are you happy? ये नो एक्शन आ गया आपकी बार, आप अपसेट क्यों, why are you upset? worried क्यों, why are you worried? right? हाँ, आपका भाई अपसेट क्यों, why is your brother upset? आप क्यों रो रहे हो, why are you crying? आप लेट क्यों आ रहे हो, why are you coming late? आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, why are you disturbing me? आपके पापा मोबाइल क्यों यूज कर रहे हो, why is your father using mobile? आपके पापा मेरे कमरे क्यों जा रहे हैं, why is your father going to my room? आपका भाई मेरा बैग चेक क्यों कर रहा है, why is your brother checking my bag? आपका भाई कल आपको गाली क्यों दे रहा था, आपके बार past continuous tense, why was your brother abusing you? आपको भाई आपको गाली क्यों दे रहा था? टीचर आप क्यों डांट रहे थे, why was teacher scolding you? scolding you, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, अगर आप इसी को यूज क्यों लेकर जाए, आप क्यों किया करते थे काम, why did you used to, आप हरियाणा में क्यों बोला करते थे, why did you used to speak हरियाणा में? आप लेट क्यों आया करते थे, why did you used to come late? ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको एक और लाइन बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब आप बोलना पड़े कि मैं हैरान हूँ, आई वंडर, या हैरान हो जाता हूँ, आई वंडर व्हाई पीपल एक्शन, व्हाई एक्शन, ठीक है, मैं हैरान हूँ कि लोग एक दूसरे चीट क्यों करते हैं, आई वंडर व्हाई पीपल चीट अदर्स, मैं हैरान हूँ कि लोग स्मोक क्यों करते हैं, आई वंडर व्हाई पीपल स्मोक, मैं हैरान हूँ कि लोग एक दूसरे की चुगली क्यों करते हैं, आई वंडर, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आई वंडर व्हाई पीपल बैक बाइट, मैं हैरान हूँ कि लोग अपनी गाड़ी को रोड पर क्यों पार्क करते हैं, आई वंडर व्हाई पीपल पार्क देयर व्हीकल्स ऑन रोड, मैं हैरान हूँ कि लोग रोड पर क्यों थूकते हैं, आई वंडर व्हाई पीपल स्पिट ऑन द रोड, मैं हैरान हूँ कि स्टूडेंट्स नोटबुक सबमिट क्यों नहीं करते, आई वंडर व्हाई स्टूडेंट्स डोंट सबमिट देयर नोटबुक्स। तो फ्रेंड्स ऐसे आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, आई वंडर के बाद वाई लगेगा और फिर सीधा बगैर टाइम वर्ड के हुआ ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये आप आंसर दे रहे हैं, ये अगर बनता था ऐसे बनता, डू यू वंडर कि आप हैरान हो जाते हैं, व्हाई पीपल डू इट क्यों करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स इसके आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपसे 5 सेंटेंसेस पूछ रहा हूँ, आपके पापा आपका लैपटॉप क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, सेकेंड है आपके पापा कल दिल्ली क्यों जाएंगे, थर्ड है आपके पापा आपको ऑफिस क्यों भेजना चाहते हैं, और नेक्स्ट है आपका दोस्त अपनी स्टडी कंप्लीट क्यों नहीं करना चाहता, और लास्ट वन है आपका भाई अमेरिकन क्यों ज्वाइन कर रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स आप ट्राई कीजिएगा, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।